नमस्कार, कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने ये हरे मटर लिए हैं जिसको मैंने पानी में बॉईल करके हाफ़ कुक कर लिया है। ये मैंने एक आलू लिया है, मैंने हाफ़ कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है और एक प्याज, इसको मैंने बारीक नहीं काटा है, लंबा लंबा काटा है इसको मैंने। एक टमाटर, इसको भी बारीक नहीं काटा है। और धनिया पत्ता लिया है थोड़ा सा मैंने। मस्टर्ड सीड्स हाफ टी स्पून यूज़ करूँगी, नमक टेस्ट के हिसाब से। और मैं ये पतंजलि का सब्जी मसाला भी यूज़ करती हूँ इसमें। अगर दोस्तों आपने ये यूज़ नहीं किया है तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। और मैंने ये एक तेज़पत्ता लिया है। धनिया पाउडर मैं यूज़ करूँगी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ये टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम आप डाल सकते हैं, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले मैं प्याज, नारियल और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी मिक्सी में, और बिल्कुल पानी नहीं यूज़ करना है हमको इसको, हमें बिना पानी के ही पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और इसमें मैं ये मस्टर्ड सीड्स डाल दूँगी और ये तेज़पत्ता भी डाल दूँगी, और मैंने इसमें ये मिक्सी में पीसा हुआ पेस्ट भी डाल दिया है। और इस पेस्ट को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये तेल छोड़ ले। और दोस्तों टमाटर, नारियल और प्याज का बहुत ही अच्छा ग्रेवी, थिक ग्रेवी बनता है, तो इसको मैं पका लूँगी जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके लिए मैं ये ढक्कन लगा लूँगी। ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और मैं ये सभी मसाले एक साथ कढ़ाई में डाल दूंगी, ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। एक बार मिक्स कर लूंगी अच्छे से और 1 मिनट तक मसालों को भी अच्छे से भूनने दूंगी मैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से, और साथ में मैं डाल दूंगी ये आलू। मिक्स कर लूंगी अच्छे से मसालों के साथ। और पानी डाल दूंगी मैं, पानी अंदाजे से डालिए दोस्तों। आप ग्रेवी को जितना थिक चाहते हैं उस हिसाब से पानी आप ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। और मैं पहले आलू को पका लूँगी थोड़ा, क्योंकि मैंने मटर को ऑलरेडी हाफ बॉईल करके पका लिया है, इसलिए अभी मैं कम से कम 5 मिनट आलू को पकाऊंगी मीडियम फ्लेम में। उसके लिए मैं ऊपर से ये ढक्कन लगा लूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक बार एक ढक्कन खोलूँगी इसका। दोस्तों ग्रेवी अच्छी बनी है और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी पतंजलि का सब्जी मसाला 1/2 टीस्पून और मटर, मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब मैं आलू और मटर को और 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार मैं इसका ढक्कन खोल के ग्रेवी देख लूंगी। दोस्तों ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी है। अब मैं इसमें ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन आप चाहें तो इसको डाल सकते हैं। मिक्स कर लूंगी अच्छे से और 1 मिनट के लिए पकने दूंगी। 1 मिनट हो चुका है और आलू मटर बनके बिल्कुल रेडी है। दोस्तों आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।